वेलकम, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी पर क्रिसमस स्पेशल शो और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। क्रिसमस एक ओकेजन है, एक फेस्टिवल है, एक मूड है जो ना केवल 25 दिसंबर लेकिन उसके काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा मौका है जो बताता है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी हर बुरे समय में आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इसी उम्मीद को तो लेकर जीसस क्राइस्ट ने सूली पर चढ़ना भी स्वीकार कर लिया था, जिनका बर्थडे हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। और आज जनतंत्र टीवी अपने इसी जॉय और हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने जा रहा है कुछ बच्चों के साथ जो कि इकोनॉमिकली वीक है, और उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है साहस नाम का यह एनजीओ। तो चलिए वहां पर चलते हैं, पहले कुछ तैयारियां करते हैं और उसके बाद इन बच्चों को सरप्राइज देते हैं। करता है और ये क्या है, और ये क्या है, ये बताओ। हाँ ये परी है, ठीक है, ये एंजल है। तो जब उनका जन्म हुआ था ना तो ऐसे बहुत सारे एंजल्स आए थे उनके पास और उन्होंने बोला था कि ये बहुत अच्छे जैसे भगवान होते हैं ना, तो ये भी भगवान थे जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो ऐसे बहुत सारे परी आए थे, एंजल्स आए थे। हाँ मैं बता रही थी ना, जो जीसस क्राइस्ट थे ना उनका जब बर्थ उनका जब जन्म हुआ था ना, तो जहाँ पे जन्म हुआ था लोगों और भी लोग जैसे आपके आपके बर्थडे में लोग मिलने आते हैं ना, वैसे उनसे लोग को मिलने के लिए आना था। तो लोगों को पता नहीं चल रहा था उनका एड्रेस, उन लोग को पता नहीं था। तो एड्रेस ढूंढने के लिए ना उस समय भगवान ने क्या किया, एक बहुत ऐसे ही शाइनिंग सा चमकता हुआ स्टार उन्होंने आसमान में ऐसे चमकने लगा। तो जहाँ जहाँ लोग एड्रेस था ना तो वो स्टार चमकता था और उसके पीछे पीछे लोग जाते थे और जाते जाते उनके घर पे पहुंच गए थे जिस दिन उनका बर्थ हुआ था उस दिन। तो इसीलिए ना वो स्टार लगाते हैं हम लोग क्रिसमस के दिन, क्योंकि वो स्टार है जिसने बताया था कि उनका घर कहाँ पे है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो इसलिए स्टार लगाते हैं। सारा जमाना बदलेगा।
आप लोग को क्या करते हैं, हम लोग एक गेम खेलते हैं, किस किस को उसमें से पहेली आता है, ठीक है? तो आप लोग पहेली पूछेंगे और बाकी लोग रिप्लाई करेंगे, और आप लोग कोशिश करेंगे ऐसा वाला कुछ बम फटा। अच्छा, और बाकी लोग, आप लोग कोशिश करना ना ऐसा पहेली पूछना कि बाकी को समझ में ही ना आ पाए, ठीक? तीन पैर की तितली नहाने निकली, जिसको आता होगा वो हैंड रेज करेगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बताओ। समोसा है, पूछ लो। हाँ, तो फिर जो इसने सही बोला इसके लिए सबको एक बार क्लैप कर दो, और बीच में नहीं बोलना, ठीक है? ठीक। और किसको पहले आता है? आपको आता है ना? नाम बताओ पहले, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। रीना। तो रीना एक पहेली पूछेगी, पहेली बताओ, ठीक? इधर नदी बीच में बोला पेड़ लगा के जाना है कि गोल लगे। अच्छा, तो रीना पूछ रही है कि इधर नदी उधर नदी बीच में भोले बाबा लात मार के जाना है या हाथ जोड़ के जाना है, मतलब उनको। हाँ हाँ, तुम बताओ। हाथ जोड़। अब बताओ क्यों हाथ जोड़ के जाना है? भगवान जी है तो भगवान जी को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे प्रणाम करके जाते हैं, तो हाथ जोड़ के सबको जाएंगे। अब ये पूछेगा, नाम बताना अपना। माय नेम इज समित कुमार। एक लड़की की लाल गंगरी क्या हुआ, पूछो। मैं बताऊंगा। एक लड़की की लाल घंघरी। हाँ, मैं बताऊंगा। नहीं, हाँ, और किस किस को आता है, सबको हैंड रेज करो। हाँ बताओ। उसका मतलब क्या हुआ लाल घंघरी? मिर्चाई। मिर्ची, मिर्ची। अरे वाह, मिर्ची तो सही रिप्लाई है। एक बार जोर से इसके लिए क्लैप हैंड्स, क्लैप हैंड्स। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। लकड़ी की काटी काटी पे गोरा गो, बलून के साथ गेम खेलते हैं। इसमें क्या करेंगे ना, एक टीम रहेगी एक तरफ और एक टीम दूसरे तरफ रहेगी, ठीक? एक आदमी उधर जाएंगे, उसके हाथ से बलून लेंगे और उसको अपने साथ में लेके, बीच में दो बलून रहेगा। एक बलून तो आप लोग बीच में पेट के बीच में ऐसे दबा के और कर लोगे, टू बलून्स रहेंगे। Thank you.
मोर एक ऐसी कविता है जो बताती है कि सभी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, किसी में कुछ अच्छा होता है तो किसी में दूसरी कोई चीज़ या कोई और खासियत होती है। और यही कविता अभी बच्चे बारी बारी से उसके एक एक लाइन्स हमें सुनाने वाले हैं, और इसके ज़रिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने में कभी भी कम ना अपने आप को फील करें, क्योंकि आप में भगवान ने कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनाया है और आप उसी पर वर्क करें और उसको आगे लेकर आए। और यही पोएम को वो कल अपने एक प्रोग्राम उनका होने वाला है जिसमें वो प्रेजेंट करने वाले हैं, तो चलिए उनसे सुनते हैं कि ये जो पोएम्स है पोएम है उसकी क्या क्या लाइन्स है और वो किस तरीके से उसको बताना चाहते हैं। ये जो कल ये लोग एक सेलिब्रेशन करने वाले हैं क्रिसमस का, उस सेलिब्रेशन में इनके जो एक्ट्स हैं उसके लाइंस ये लोग हमारे साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद जो सांता मैं बन के आई हूँ सांता आप लोग को गिफ्ट देंगे, ठीक है। मोर एक दिन मिलकर सारे करने लगे विचित्र बिला, ये है आपका गिफ्ट और ये भी, ठीक है। हैप्पी, अब एक बार सबको बोल दो मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। कहने लगे बताओ साथी हमने क्या है कौन सा पाप। ये आपका मेरी क्रिसमस। मेरी साधारण पक्षी भी जब ऊंची स्वर में कुछ गाते हैं तब मनुष्य पृथ्वी मोहित से हो जाते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, एक बार ताली बजा दो। फोर्थ लाइन किसका है, नेक्स्ट लाइन? हाँ बताओ। पर अपनी सुनकर बोली हंसी टिटोरी करते हैं। एक बार ताली बजा, ताली ताली सबके लिए। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। आप बताओ कैसी है हमारी। अच्छा ये सबको आता है, सबको ये ये, ये आपका मैरी क्रिसमस। और अब किसका लाइन है आपका। वहीं पेड़ पर बैठी कोयल बोली मोरो होना उदास दुनिया में ना कहीं पाओगे सभी। वेरी गुड, वेरी गुड, एक बार फिर से बोल दो, दीदी के साथ बोल दो, दीदी भी बोलेंगे आप भी साथ में बोल देना, ठीक है। साथ बोल दो, साथ में बोलते हैं फिर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये आपका है आपका क्रिसमस गिफ्ट। हैप्पी क्रिसमस। नई पसंद तुम्हारी बोली तो पाया था। वेरी गुड। अब नेक्स्ट किसका है। वेरी गुड, मैरी क्रिसमस। और किसी का। इस दुनिया में बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बुरा ना कोई। बिल्कुल, कितना अच्छा लाइन इसने बोला, एक बार जोर से सबको फिर से मुझे सुना। इस दुनिया में बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बुरा ना कोई। इस दुनिया में बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बुरा ना कोई, मतलब है कि सब कोई अच्छे है, कोई ना बुरा। मैरी क्रिसमस। और बिल्कुल आता तो है, बोल रहे हैं आपको नहीं आता है। मैरी क्रिसमस। बोलो कुछ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो जल जाएगी बाहर निकल। वेरी गुड, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ बाहर निकालो। अरे वाह कितना अच्छा। हाँ टमाटर सुना दो, एकदम टमाटर टमाटर सबको ही हो गया हम लोग, और ये भी टमाटर हमारा लग रहा है। करो करो करो। मुझे नहीं याद आ टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, एक बार चूहे ने खाया बिल्ली को भी मार दिया, एक बार चूहे ने खाया बिल्ली को भी मार दिया। मैरी क्रिसमस। सोन चिड़ैया ओ मेरी सोन चिड़ैया, सोन चिड़ैया पर उड़ के जंगल जंगल जाए। ओके मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और ठीक है। ओके मैरी क्रिसमस। चलो
कल करेंगे डांस। चलो मैरी क्रिसमस। ये माइक पकड़ो, माइक पकड़ो और बोलो। मैं तब तक तुम्हारा गिफ्ट निकाल रही हूँ। बताओ बताओ, उधर राइम सुना दो एक। टमाटर बड़े मजेदार, एक बार बिल्ली ने खाया, बिल्ली चूहे को मार गिराया। बस छोटा वाला हो गया ये तो। और आपका नाम क्या है? गौरी। गौरी। और ये पता है, ये जो गौरी है ये मेरी, इधर आओ इधर आओ, ये मेरी सीक्रेट पार्टनर है। मैं जब रेडी हो रही थी ना तो सबसे पहले इसने मुझे देखा था सांता बनते हुए। सो गौरी मेरी क्रिसमस। अब और कौन मुझे सुनाएगा, सुना दो। मेरी क्रिसमस। बस पर चढ़ी सीट न मिली, रोने लगी, ड्राइवर ने कहा आजा मेरे पास, हट बदमाश। ये तो मैं छोटी थी तो मैंने भी सुना था, तितली उड़ी उड़ के चली। मेरी क्रिसमस। खिलानी है जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मिल जाएगी, दो दिन रखो मिल जाएगी, बिल्ली आकर खा जाएगी। और ज्यादा दिन रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरी क्रिसमस सर जाएगी। आप सुना दो। बाय बाय। मेरी क्रिसमस आपके लिए भी गिफ्ट, सेंटा के पॉकेट से सबके लिए गिफ्ट हो गया। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। तो आज मैं आई थी भोवापुर गांव और यहाँ के बच्चों के साथ मैंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और यहाँ सांता क्लॉस बनकर मैंने जितना एंजॉय किया इतना रियली मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। और आपको बता दूँ, साहस फाउंडेशन एक ऐसा एनजीओ है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करता है। वो बच्चों को डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जरिए उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। और इसकी जो फाउंडर है अर्पना जी, उनकी यही एक सकारात्मक सोच है कि सभी बच्चे जो है उनको पढ़ने का अधिकार है, उन्हें समान शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए और इसी की तरफ वो कदम बढ़ा रही हैं इस एनजीओ के ज़रिए। तो आज जनता दल टीवी की टीम यहाँ पर आई थी, इन बच्चों के साथ हमने अपने भी जॉय और हैप्पीनेस को सेलिब्रेट किया, इनके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी अपने सेलिब्रेशन, अपने फेस्टिवल्स या कोई भी आपका ओकेजन हो उसको इस तरीके से ही इंजॉय करें और अपने आस पास के लोगों को भी साथ मिलकर इंजॉय कराएं। और जनतंत्र टीवी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस।